गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज शिवम पांडे। टुडे आई कम बैक विद माय न्यू वीडियो। चलिए आज की वीडियो में आया हूँ मैं, बात करूँगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी आ चुका है, तो उसमें बेसिकली दो ग्रुप को डिवाइड किया है अभी के लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वाली टीमें जो हैं उसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। ग्रुप बी में है इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। इस तरीके से दो ग्रुप को डिवाइड कर रखा है और अभी इसमें चार टीमें और ऐड होंगी जो कि क्वालिफायर खेलेंगी। जो छह टीमों का क्वालिफायर ओमान में स्टार्ट हो जाएगा, जो सबसे पहले उस क्वालिफायर को जो जीतेंगी उसमें से चार टीमें फिर आपको आ जाएंगी इसमें, यानी 12 टीमों का टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट दुबई यूएई में खेला जा रहा है। बेसिकली दुबई, शारजा और अबू धाबी में ये टूर्नामेंट कम्प्लीट किया जाएगा। तो इसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी से बन चुका है इस वर्ल्ड कप को लेके। बेसिकली ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए, पहले तो ये इंडिया में होना था लेकिन कोविड की वजह से ये गया दुबई, वहाँ पे यूएई अमीरात में चला गया, कि वहाँ पे कोविड के रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ज़्यादा रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और वहाँ पे टूर्नामेंट अच्छा होगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि ये टूर्नामेंट कैसा होगा। इंडिया पाकिस्तान का एक धमाकेदार मैच फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हर बार का, हर वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला मैच इंडिया पाकिस्तान होता है और बड़ा ही मज़ेदार होता है, लोगों को बड़ा मज़ा आता है देखने में। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा होगा। देखिए दुबई में टूर्नामेंट है तो थोड़ा स्लोइस भी होगा इस पे, वहाँ पे आईपीएल हो जाएगा पहले, फिर वहाँ की कंडीशन थोड़ी स्लोइस होंगी, तो जिस टीमों के पास स्पिनर अच्छा होंगे वो डेफिनेटली अच्छा करेंगी, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, मतलब जितनी सब कॉन्टिनेंट की टीमें होंगी उनके लिए ये वर्ल्ड कप बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनके मतलब की विकटों पर ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यही बात मुझे आपको बतानी थी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अभी कोरोना की थर्ड वेव बहुत ही हमारे समीप है, बहुत ही पास है। अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है तो अपना इंतजार कीजिए, वैक्सीनेशन कभी ना मिल जाएगा। वैक्सीनेशन मिलने के बाद भी आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमें थर्ड वेव को, अपने आप को थर्ड वेव से बचाना है। प्लीज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए।